हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे कि कैसे जो है मंगा इफेक्ट, आपने देखा होगा बहुत पॉपुलर इफेक्ट है, इसको आप वन टैप में कैसे कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है, देन इसके बाद मंगा इफेक्ट आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को चाहिए होगा मोशन निंजा ऐप। तो मोशन निंजा ऐप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देन इसके बाद क्या करिएगा, आप कोई भी AI क्लिप जनरेट कर सकते हैं। मैंने एक क्लिप जनरेट की है, इसको मैं बताऊंगा कि कैसे मंगा इफेक्ट इसमें कर सकते हैं। तो आपको क्लिप लेके इस पर अपलोड कर देना है मोशन निंजा पे। देन इसके बाद आप इस क्लिप पे जो है यहाँ पे कोड पे आना है। कोड पे दबाएंगे हम लोग। कोड पे आने के बाद सबसे नीचे देखिए मंगा स्टाइल आएगा। मंगा स्टाइल पे आपको क्लिक करना है सिंपल, और देखिए हो गया है। अब इसको हम लोग को एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट करना होगा यहाँ पर ऐसे करके, इसको इतना कर देंगे जितना वीडियो है अपने पास, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो है ये इसको हम लोग को बीच बीच में देना है, क्योंकि मंगा फिर बीच बीच में देना है, ज़्यादा नहीं दे सकते वरना थोड़ा ख़राब लगेगा। इसलिए हम लोग को इसकी कॉपी लेते हैं। एक हमने कॉपी किया, इसको हम लोग थोड़ा आगे करेंगे, इसको यहाँ पर लगा देंगे। एक कॉपी और लेंगे इसके, यहाँ से एक कॉपी और ली मैंने, इसको जो है आगे लगा दिया और यहाँ पर वीडियो के एंड के आसपास। हाँ बस ये देखिए ऐसा आया। अब इसमें हम लोग इफेक्ट भी डाल सकते हैं। इफेक्ट कैसे डालते हैं वो देखिए। आप पहले आपको क्या करना होगा, इस पे आना है, क्लिप पे क्लिक करना है। क्लिप पे क्लिक करने के बाद एडिट पे आना है। एडिट के बाद क्लिक करके आपको इफेक्ट्स पे आना है। इफेक्ट्स पे आ गया। इफेक्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे एक वो होता है, यहाँ पे आप सर्च करिएगा एसिड इफेक्ट ये रहा, इस पर लीजिएगा। इस पर हम लोग थोड़े से वो लगाएंगे, रुकिएगा एक मिनट। एक हम लोग जहाँ पर हमने किया वहाँ थोड़ा आगे टाइप लगेंगे, यहाँ पे एक लगा दिया। एक और लेंगे हम लोग, इसी की कॉपी और लेंगे और आगे लगा देंगे इसको हम लोग, और थोड़ा सा कूल लगे देखने में। देखिए चला के हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे, एक इसमें से और इफेक्ट्स लेंगे हम लोग, उसका होगा जूम ना, जूम करके जूम इन एंड आउट हम लोग ले लेंगे, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे हल्का सा, ताकि जब वो ऊपर है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे देखने में। इसकी कॉपी और लेंगे हम लोग, कॉपी लेने के बाद आगे आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए आप इसमें काफ़ी इफेक्ट लगा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। और देखिए इसमें इफेक्ट हम लोग और कौन से लगा सकते हैं, इसमें हम लोग इफेक्ट्स पे आएंगे। इफेक्ट्स पे आने के बाद हम लोग एक लगाएंगे क्वैक करके, क्वैक ये थोड़ा सा वो होगा, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग लगाएंगे इसको। हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे, इसकी कॉपी हम लोग और लेंगे, इसको कॉपी लेके आगे बढ़ा देंगे हम लोग थोड़ा सा, यहाँ बीच में लगाएंगे थोड़ा सा करके। इसकी कॉपी और लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ आगे लगाएंगे बिल्कुल एंड पे, ठीक है। अब देखिए कैसा आता है वीडियो, ये देखिए ऐसे। अब इसमें आप कोई भी क्लिप ऐड कर सकते हैं या कुछ भी आप वीडियो ले सकते हैं, उससे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इसको आपने कर लिया, अब बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ये आपका बन चुका है तैयार। आपको जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं, जैसा इफेक्ट चाहिए वैसा लगा सकते हैं। इसमें खूब सारे इफेक्ट्स भी हैं जो आपको करने में मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी बनेगा और लोगों को पसंद भी आएगा। ऐसे आप वापस पीछे आ जाइएगा, देन इसके बाद आप यहाँ से चला के देख लीजिएगा सब कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं, वरना अगर एडजस्टमेंट चाहिए तो एडजस्टमेंट कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आना है एक्सपोर्ट पर, देन एक्सपोर्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ईजिली जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। एक्सपोर्ट डाउन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बैक आएंगे और देन इसके बाद इस पर क्लिक करके देख लेंगे सही वीडियो आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही आ रहा है वीडियो। ऐसे ही ट्यूटोरियल देखने के लिए कीप सब्सक्राइब मी, एंड पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।